बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुनाज नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुबान है अरबी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल लड़कों के लिए किया जाता है। मुनाज के मुख्तसर उर्दू मायनी है ऐसा इंसान जो पेशीदा कामों में मशगूल हो। मुनाज नाम का मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन तीन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफरिस्त है बांग्लादेश, नंबर दो पर है यूएई और नंबर तीन पर है श्रीलंका। और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल हैं मंगल और जुमेरात। नंबर चार को इस नाम के अफराद के लिए मुनासिब समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शामिल है तांबा और लोहा। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल हैं सुरख और बनफशी। रूबी नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। और इस नाम के अफराद के लिए ये समझा जाता है कि ये ज़िंदगी में आने वाली तमाम तर मुश्किलात से टकराना पसंद करते हैं और इनका मुकाबला करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।